सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया। आज का जो विषय है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हमारा जम्मू कश्मीर का है, JKPTCL, 15 दिन पहले आप सब लोगों ने न्यूज़ भी चलाई थी, देखा होगा कि भाई 15 दिन पहले इन्होंने हमारे जो टैरिफ थे वो बढ़ा दिए गए 10% करके इन्होंने किया। तो वो टोटल में अगर आप पैसे की कंडीशन में समझें तो वो चीज़ इस तरीके से कि जो नॉर्मल एक घर का बिल जो 360 रुपये आता था फिक्स उनको महीने का, तो वो हो गया है 460। वो 460 रुपये हो गया। अब वो 460 रुपये महीने का बिल तो आ रहा है, साथ में 25 तारीख को 24/11 को एक ये आर्डर निकलता है इनका। ये आर्डर नंबर है और ये डिटेल है इनकी सारी, जिसमें इन्होंने निकाला कंटेलमेंट और 24 घंटे में 8 घंटे की कंटेलमेंट। मेरी आपके माध्यम से इसे जानना है कि भाई अगर 8 घंटे की कंटेलमेंट होती है तो अगर इसका हम टोटल करें तो 30 दिन में 10 दिन चले जाते हैं हमारे। तो क्या ये जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो हमारा JPDCL, वो 10 दिन की राहत हम कंज्यूमर को दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक चीज मेरे को ये पूछनी है। 8 घंटे कंटेलमेंट का मतलब है कि 30 दिन इलेक्ट्रिसिटी आपकी चलती है तो 10 दिन आपकी कंटेलमेंट होगी, 10 दिन आपको नहीं बिजली मिली। एक बात रही, मैं 2 दिन के टूर पे था सब डिविजन मेंडर में, वो हमारा सब डिविजन है, वहां पर 3-4 तहसीलें हैं उसके साथ में, कंस्टिट्यूंसी है मेंडर की। वहां पर क्या परेशानी है कि ये कंटेलमेंट की तो डिटेल तो जो जा रखी है ये तो गई है, ये कंटेलमेंट डिटेल दे रखी है कि इस एरिया के अंदर इतने बजे से इतने बजे तक लाइट ऑफ रहेगी। इसके अलावा वहां पर क्या हो रहा है कि भाई हर दूसरे दिन एक एक फीडर पे, आप मैं फीडर के नाम कुछ बता दूंगा आपके द्वारा यहाँ से, कि जैसे नाड़ का फीडर है हमारा, संग्योट का है, कालापन है, गुरसाई है, फामड़ा नाड़ है, उछाद है, हरनी गुरुता है, उसके बाद सेकंड फेज में इनका है साकी मैदान, सलवा, नका मजेड़ी, हरनी, बाड़ा दुनिया और कांगड़ा। इन फेसिस के अंदर क्या किया उन्होंने, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि नाड़ के अंदर अगर एक दिन उन्होंने फॉल्ट का बहाना रख के 24 घंटे लाइट बंद रखी तो अगले दिन ये संजोट चले जाएंगे, अगले दिन नाड़ में चल जाएगी और संजोट में फिर 24 घंटे के लिए इन्होंने वो कर दिया होगा। इस तरीके से करके हमारा अगर ओवरऑल देखें सब डिविजन मेंडर के अंदर, तो हमारी जो वहां पर बिजली आ रही है वो आ रही है कुल मिला के 2 से 4 घंटे। तो 30 दिन का हम किराया फिक्स पे कर रहे हैं 460 रुपये इनको, इन्होंने रेंट बढ़ा दिया, वो कर दिया जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, JPDCL से, इनके चीफ इंजीनियर साहब से जिनका ये सिग्नेचर है, ये चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन JPDCL जम्मू, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप खिताए पीर पंजाल और खिताए चनाब के लोगों को इंसान भी समझते हो या नहीं समझते हो? एक बात, अब इनसे नुकसान हमारा क्या हो रहा है? इसके अंदर एक चीज़ बड़ी हैरानगी वाली मैंने एक वो पढ़ा है, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है जो इनका आर्डर है, उस आर्डर के अंदर ये सारा के इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। उसके बाद ये लिखते हैं दैट पावर सप्लाई इज नॉट हैम्पर्ड थ्रू एनी एसेंशियल फीडर ड्यूरिंग सच कटेलमेंट, जबकि हमारे 13 फीडर हैं, सबके अंदर यही हाल है। तो वो कौन सा फीडर है जो इतना इंपॉर्टेंट फीडर है इनका, वो किसी उस फीडर के अंदर किसी लीडर का घर आ रहा है, वहां पर कोई बड़ा जो कोई ऑफिसर रह रहा है, या कौन सा वो इंपॉर्टेंट है? अगर वो इंपॉर्टेंट था क्या ये जम्मू कश्मीर के बाकी के लोग इंपॉर्टेंट हैं गवर्नमेंट के लिए या नहीं है? अगर नहीं है भाई तो फिर छोड़ दो आप, क्योंकि वैसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर या तो फोकस किया जाता है जम्मू सिटी को या फोकस किया जाता है कश्मीर सिटी को। इसके अलावा जो हमारी पॉपुलेशन मोर देन 90% पॉपुलेशन जो अलग अलग हिली एरियाज के अंदर रहती है, रूरल के अंदर रहती है, उनको तो इंसान नहीं समझा गया है पिछले 70 साल के अंदर, और वही हमारे साथ आज भी यहाँ पर जो है किया जा रहा है। हमारे बच्चों की एजुकेशन सफर हो रही है। कंटेलमेंट का टाइम आप देखेंगे तो ये शाम को 6 बजे के आसपास अंधेरा होना शुरू होता है, 6 से 9 के आसपास तो हर किसी फीडर पर लाइट बंद होती है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो 6 से 9 तक या 10 बजे तक या 11 बजे तक रात को इंतजार करेगा, पावर सप्लाई आएगी तो फिर वो पढ़ेगा, वो सोएगा कब, वो उठेगा कब, और वो कॉलेज कब जाएगा? तो ये एक तरीके की साजिश के तहत हमारे जो खासकर खिता पीर पंजाल और खिता चनाब के अंदर ये किया जा रहा है बिजली के कंटेलमेंट। बिजली के कंटेलमेंट से क्या हो रहा है, हमारी एजुकेशन सफर हो रही है, हमारे हॉस्पिटलों तक के लिए अंदर लाइट्स जो है वो दिन को नहीं अवेलेबल होती है। अगर किसी को एक्सरे कुछ कराना हो तो मेंडर सब डिविजन हॉस्पिटल के अंदर लाइट का इंतजार करना पड़ता है बैठ के। अगर ये दो फोटो कापियां मेरे को कल निकालनी थी सब डिविजन मेंडर के अंदर, तो दो फोटो कापी के लिए मेरे को 3 घंटे का वेट करना पड़ा कि 3 घंटे के बाद पावर सप्लाई आएगी तो हम फोटो सेट निकाल सकते हैं। इस तरीके की जो हमारे साथ एक नेग्लिजेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे ऊपर की जा रही है, तो हम तंग आ चुके हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आप अगर इंसान समझते हो कि रूरल के अंदर ये लोग रह रहे हैं, इंसान हैं, तो बिजली का जो ये एक बेसिक नेसेसिटी में आता है, बेसिक जरूरत है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे बिजली टाइम पे ना आने से क्या हो रहा है कि हमारा जो पावर सप्लाई ना टाइम से आने से जो
वाटर सप्लाई है वो भी डिफंक्ट हो रही है, क्योंकि वाटर सप्लाई को लिफ्ट करने के लिए रात को मोटरें चलानी पड़ती हैं, रात को पावर चाहिए होती है। तो उनसे मैंने जब बात की कि भाई ये पावर आपकी इतने दिन से पानी नहीं आ रहा, सप्लाई नहीं आ रही, उन्होंने कहा जी लाइट नहीं रुक रही है, तो जिसके कारण से हम पानी अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब पानी अपलिफ्ट नहीं होगा तो सप्लाई नहीं आएगी। तो आप समझिए इस चीज़ को कि दोनों चीज़ें जो हैं मेन, मतलब पावर और पानी, इन दो चीज़ों के बगैर क्या कोई अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, वो इसके बगैर नहीं रह सकता है। इंसानियत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की जरूरत में ये दो चीज़ें हैं, वो दोनों हमारी डिफेंड हो रही हैं, सिर्फ लाइट की पावर सप्लाई टाइम से ना होने से। तो मैं आपकी माध्यम से एफजेड मिशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले नंबर पर तो इसको वापस लिया जाए, ये जो फ्रॉड बनाया है उनके 8-8 घंटे का कटेलमेंट, इसको वापस लिया जाए इमीडिएट। क्योंकि पावर सप्लाई जो हमारे जम्मू कश्मीर खुद की पावर जनरेट करता है, उसको आप बाहर सेल आउट करते हो और यहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझते हो, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है हमारा और बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारी पावर सप्लाई लेके। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कौन लोग हैं, किन के सरों पे सींग लगे हुए हैं बाहर, जिनके लिए यहाँ से सप्लाई करके बाहर दी जाती है और उनको 24 घंटे लाइट मिलती है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जिनकी लाइट खुद की है उनको इंसान नहीं समझा जा रहा है। और खासकर किताबी पंजाल के अंदर ये बुरी हालत है इस टाइम पर। हमारे बच्चे जो हैं वो दरबदर हैं, पढ़ने वाले बच्चे, आगे एग्जाम आ रहे हैं, सर्दियों का सीजन है, तो वहाँ पर लोग कर क्या रहे हैं, वहाँ पर लोगों ने गीजर नहीं लगा रखे हैं, वहाँ पर कुछ और नहीं लगा रखा है, गरीब लोग हैं। एक एक लाइट का बल्ब चाहिए जिसकी रोशनी में वो बैठ के खाना खा सकें, वो कोई इबादत कर सकें, वो कोई स्कूल का कुछ पढ़ाई कर सकें। तो वो सारी चीज़ें जो डिफंड की हुई हैं, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला। और इसी के साथ मैं आपकी वसादत से ही एक बार दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जल्दी, अगर अगले 10-15 दिन के अंदर इसको रोल बैक नहीं किया गया और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया, जहाँ जहाँ पर ये फीडर्स का बहाना बनाया जाता है कि भाई फीडर आज चला नहीं, इसमें यह आ गया, बिल्कुल सफ़ेद धूप वाला मौसम है आजकल, आगे सर्दी आने वाली है, बरसात भी आएगी, बर्फ भी गिरेगी, अगर इस टाइम पे इनकी लाइनें जो है वो डिफंक्ट है, जब बरसात होगी, जब बर्फबारी होगी, तो तब लाइनों का क्या हाल होगा, इस पर देखा जाए। आपकी वसादत से मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले 15 दिन के अंदर इसका कोई ना कोई हल निकालें, नहीं तो हम जितने भी पावर स्टेशन हैं उन पावर स्टेशन का घेराव करेंगे और उनके अंदर बैठेंगे। ये जितने भी हमारे बाड़ा दुड़ियाँ और ये जितने फीडर्स हैं, इन फीडर्स के सामने मैं लोगों को लेकर बैठूंगा, उस टाइम फिर गवर्नमेंट जो हमारे पास वो ना कहेंगे जी देखिए आप ये लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया।